हेलो स्टूडेंट्स, पिछले यूट्यूब में पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर की शाखियाँ 1 से 5 तक पढ़ी थी और इस बार हम 6 से 7 को पढ़ेंगे, यानी 2 शाखियों को हम और लेंगे। इसके साथ ही हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। कबीर की 6ठी शाखी में कबीरदास जी कहते हैं, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं, काबा यानी मुसलमानों के तीर्थ स्थल और काशी यानी हिंदुओं के तीर्थ स्थल, वाराणसी बनारस ये सारे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं काबा फिरी, मैं काबा भी गया और काशी भी गया, रामई भया रहीम, वहां पे मैंने किसको देखा, राम और रहीम की महिमा को देखा, यानी उसमें उनके मर्म को मैंने जाना। मोट चून मैदा भया, तो अब तक जो मैं धार्मिक संकीर्णताओं में बंधा था वो मेरी संकीर्णता दूर हो गई। मोट चून का तात्पर्य है मोटा आटा, क्योंकि जब आटे के अंदर जब हम छानते हैं जो चोकर निकलता है वो खाने योग्य नहीं होता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इतने दिनों तक मैं धार्मिक संकीर्णताओं से बंधा हुआ था, तो मैं भी कैसा था, स्वयं उस मोटे आटे के समान ही था, यानी मैं धर्म के मर्म को नहीं समझ पा रहा था, नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहा था। तो अब जो ये मोटा चून जो था वो मेरे लिए कैसा हो गया, मैदा भया यानी बारीक आटे के समान हो गया है, और यानी अब मैंने उस नाम की महिमा को जान लिया। बैठा कबीरा जीव, यानी तब मैं वहां गया तो मैंने राम और रहीम की महिमाओं को जान लिया। धार्मिक संकीर्णताओं को बताते हुए चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों पर इन्होंने बताया है। अगला है 7वां आपका, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी न ऊंची होई, सुब्रल कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल यानी अच्छे वंश में, अच्छे परिवार में, उच्च कुल में जन्म लेने से जे करनी न ऊंची हो, तो व्यक्ति की करनी या उसके कार्य ऊंचे नहीं हो सकते, उससे केवल प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसके कार्य, यहाँ जन्म के महत्व को न मानकर व्यक्ति के कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं होते बल्कि उसके कार्यों के द्वारा ही उसकी महानता या उसकी प्रसिद्धि होती है। सुब्रन कलश सुरा भया, जिसको उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया, सुब्रन यानी सोने का कलश जिसमें क्या भरी हुई है, शराब यानी मदिरा भरी हुई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुब्रन कलश सुरा भया, एक सोने के कलश के अंदर यदि मदिरा को डाल दिया जाए तो भी वो सदैव क्या होगा, निंदा का पात्री होगा, यानी जो सोने के कलश की महिमा है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अगर किसी उच्च कुल में जन्म लिया और उसके करनी जो है वो अच्छी नहीं है, नीच कर्म है उसके, तो सदैव वो साधु लोगों द्वारा, सज्जन व्यक्तियों द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा हमेशा ही निंदा का पात्र ही वो रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी 1 से लेकर 7 तक की शाखियां कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए जो हमारे प्रश्न है उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न 1, 2 और 3 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, अब आता है हमारा 4था। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, इस संसार में सच्चा संत वही व्यक्ति कहलाता है जो किसी तर्क वितर्क में नहीं रहता, धार्मिक संकीर्णताओं को नहीं मानता, संप्रदाय के भेदभाव को नहीं मानता, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है, जो ईश्वर को मन से पूजता है, निश्चल भाव से ईश्वर की पूजा करता है। आगे है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, अंतिम 2 दोहे इनमें धार्मिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है और दूसरा उन्होंने व्यक्ति के कर्मों को महत्व दिया है न कि उसके जन्म को महत्व दिया है। अंतिम प्रश्न है आपका, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है उसके कर्मों से, तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कुल में जन्म लेना मनुष्य के हक में नहीं होता बल्कि कर्म जो होते हैं वो सदैव उसमें निहित होते हैं, जिसके कारण ही वो संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। और लास्ट आपका हस्ती चढ़ी ज्ञान की उसकी काव्य सौंदर्य का, तो वो हम कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कबीर के शाखियां हमने पढ़ ली थी, अब शाखियों के बाद में कबीर के हम शब्द को लेंगे। कबीर के शब्दों में 2 पद हैं, पहला और दूसरा। दूसरा आपके सिलेबस में नहीं है, केवल पहला ही इसमें आएगा। पहले में देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग्य में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की
तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। क्या तात्पर्य हुआ? कबीरदास कह रहे हैं कि मोको, यानी ईश्वर कह रहा है, मोको यानी मुझे, हे ईश्वर के बंदे, हे ईश्वर के पुत्र, तो मुझे कहाँ ढूंढे, ढूंढे यानी ढूंढना, तो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदैव तेरे पास में विद्यमान हूँ, तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं देवल यानी मंदिर में हूँ, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं किसी तीर्थ स्थल पर हूँ, चाहे वो मक्काबा यानी मक्का मदीना हो, या फिर वो कैलाश पर्वत हो, वाराणसी हो, बनारस हो, या काशी हो, मैं किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म है, ना ही मैं क्रियाकर्म यानी कर्म कांड, ना तो मैं किसी कर्म कांड में हूँ। कर्म कांड का तात्पर्य है, जैसे हिंदुओं के लिए उन्होंने बोला है कि सिर को मुंडवाने में, माला फेरने में, पूजा पाठ करने में, हवन आदि करने में, और मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा रोजा रखने में या अजान देने में, इनमें भी नहीं हूँ। ना ही योग वैराग्य में, और ना ही मैं किसी योग, योग कहते हैं तपस्या करना, वैराग्य घर गृहस्थी को त्याग देना, ना ही मैं योग में यानी तपस्याओं में, जो व्यक्ति साधु संत जो तपस्या करते हैं उनमें हूँ, और ना ही मैं वैराग्य में यानी घर गृहस्थी को त्याग कर जो साधना के लिए जाते हैं उनमें हूँ। खोजी हुई तो तुरंत मिले, यदि तुम मुझे खोजना चाहोगे तो मैं तुरंत तुम्हें मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर यानी हमारी पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने ही समय में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, हे सज्जनों, हे समझदार व्यक्तियों सुनो, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। ईश्वर कहाँ है? सारे मनुष्यों की सांसों की श्वास में, यानी मनुष्य तो, ईश्वर तो जो है वो घट घट वासी है, प्रत्येक व्यक्ति में, मनुष्य में वो विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न हमारे इसमें बन रहे हैं। पहला है आपका इसमें, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो मनुष्य जो है वो ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, तीर्थ स्थलों में मनुष्य ढूंढता है, क्रिया कर्म में वो मनुष्य उसे ईश्वर को ढूंढता है, योग में, वैराग्य में, इन सभी स्थानों पर मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है। दूसरा है हमारा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। जैसे उसने कहा कि ईश्वर जो है वो मंदिरों में नहीं मिलेगा, ईश्वर मस्जिदों में नहीं, ईश्वर तीर्थ स्थलों पर नहीं मिलेगा, ना तो ईश्वर किसी कर्म कांड से मिलेगा, और ना ही वो योग से या वैराग्य से उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नों के उत्तर दोनों लगभग एक जैसे, केवल हमारी जो भाषा है उन भाषाओं में परिवर्तन आएगा। आगे वाला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर जो है वो प्रत्येक प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, वह ईश्वर द्वारा बनाए गए, प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर समाया हुआ है। इसीलिए उसने कहा है कि ईश्वर जो है वह सब सांसों की श्वास में प्रत्येक मनुष्य में समाया हुआ है। नेक्स्ट है, कबीर ने ज्ञान के ये आपके अब नहीं है। तो प्रश्न 8 से लेके 10 तक, यानी 8, 9 और 10, यही तीनों आपके इसके अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद।